सारी मिली हुई। दोस्तों माइग्रेशन का टाइम हमारा, उससे पहले यहाँ थोड़ा शहद गिर गया था, तो इस पर तीन तरह की मधुमक्खी आ रही हैं। मैं अभी बताता हूँ आपको कि तीन तरह की मीन के, ए दो वाइल्ड जंगली और एक हमारी जो हम पालते हैं जिसको हम कहते हैं एपिस मेलिफेरा। मैं तीन तरह की मधुमक्खी बताऊंगा। ये होगी एक, ये आ गया एपिस मेलिफेरा, दिस वन इज द एपिस मेलिफेरा, दिस वन एपिस मेलिफेरा। उसके बाद ये है एपिस फ्लोरिया, छोटी वाली ये जो लाल लाल है। उसके बाद ये है डॉर्सेटा, एपिस डॉर्सेटा, ये जो है ये दिस वन एपिस डॉर्सेटा, वेरी अग्रेसिव, बहुत डेंजरस मक्खी है ये। तो उससे ये जो अगर हम बात करें एपिस मेलिफेरा की, तो इसका तो ये जो मक्खी है ये साल में अगर इसको सही ढंग से पाला जाए तो 30-35-40 किलो तक भी शहद देती है। बात करें हम एपिस डॉर्सेटा की, जंगली मक्खी की, इसकी बात करें तो ये 10 किलो 15 किलो तक भी, 8 किलो 5 किलो 10-12 केजी तक ये शहद देती है, तो एक छत्ते से। तो अगर हम बात करें एपिस मेलिफेरा की, तो नहीं एपिस फ्लोरिया की, तो एपिस जो फ्लोरिया है ये 0.5 किलो 250 ग्राम 1 केजी, इससे ज़्यादा नहीं। अगर हम इसकी बात करें इसके छत्ते की, हाइब्स की, तो ये जो एपिस फ्लोरिया है ये सिंगल छत्ता बनाती है। एपिस जो डॉर्सेटा है ये वाली, ये एपिस डॉर्सेटा, ये भी सिंगल छत्ता बनाती है। दरख्तों पे देखा होगा, टंकी पे देखा होगा, कहीं आपने देखा होगा, ये भी सिंगल छत्ता बनाती है। और हमारी जो एपिस मेलिफेरा दिस वन, और ये वाली, ये बनाएगी 8-10-15 किस्म ऐसे छत्ते सीरीज में बनाती है ये पैरलर। तो ये थी तीन किस्म की मधुमक्खी। अगर बॉडी का देखें, साइज देखें, तो सबसे छोटी ये मक्खी है, ये वाली एपिस फ्लोरिया, उससे बड़ी एपिस फ्लोरिया है ये वाली, उससे छोटी जो है इससे बड़ी ये एपिस डॉर्सेटा। मींस तीन तरह की मक्खी एक प्लेटफॉर्म पे, दो वाइल्ड और एक पालतू। दो वाइल्ड मीन एपिस फ्लोरिया, दूसरी एपिस डॉर्सेटा, और एक जो पालतू है एपिस मेलिफेरा। बात करें यहाँ एपिस इंडिका, तो यहाँ इंडिका नहीं है, नहीं तो वो भी मैं बता देता, इंडिका नहीं आ रही यहाँ। मान के चले कि यहाँ इसके आसपास यहाँ कोई भी इंडिका नहीं है। चलो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।